हाय गाइस, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी स्नैक्स का टाइम हो गया है, इसलिए मैं बनाने वाली हूँ मसाला पराठा। उसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, और यहाँ पे लहसुन और मिर्च का मैंने पेस्ट ले लिया है। क्रश किया था इसको अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी करके चला रही हूँ। तो मिर्च जो है मैंने इसमें कम रखी है, क्योंकि मेरे बच्चे को भी खाना है, और जो लोग स्पाइसी खाना चाहते हैं और बच्चे को नहीं खाना है वो लोग ज़्यादा खा सकते हैं, मतलब ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्च, और स्पेशली लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना ले रही हूँ, और इसका बैटर सेम वैसे ही बनेगा जैसे चिल्ले का होता है ना, सेम उसी तरीके से बनाना है। और इसको अब मुझे 10 मिनट ढक के रख देना है, इसलिए मैंने रख दिया है। और तब तक मैं धनिया वगैरह जो है वो अपनी काट ले रही हूँ, और इसमें आप जो भी चीज़ें डालना चाहें डाल सकते हैं, मतलब काफ़ी लहसुन अगर आप ज़्यादा डालोगे ना तो उसका ज़्यादा अरोमा आएगा। तो यहाँ मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, 10 मिनट वो रेस्ट करेगा, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ अपनी। और देखिए ये मेरे से मिस हैपनिंग हो गई, एक्चुअली मैंने काटा था और वो सही से कटा नहीं था। तो बस इधर चाय बन जाएगी, जब तक चाय मैं चढ़ाऊँगी, अदरक कूट के डालूँगी, तब तक हो जाएंगे 10 मिनट लगभग। और यहाँ मैंने तावा भी जो है अपना चढ़ा दिया है धुल उल के, ये मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ आज, चूँकि मुझे ये बनाना है ना चिल्ला डोसा, ये सब जो मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तवे का यूज़ करती हूँ नॉन स्टिक का, और इस पर काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपने देखा बैटर मेरा कितना पतला है, और उसी को लेके मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। तो एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, कविताज किचन में उनके पराठे वो फूल रहे थे, बट मैं जब बना रही थी तो वो फूल नहीं रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि ये मतलब पराठा जो है वो फूलेगा भी, क्योंकि क्या होता है ना कि आप इतनी सारी चीज़ें डाल दोगे तो वो बबल्स बन जाते हैं बीच में, और कहीं कहीं मतलब रुकावट आ जाती है उनके फूलने में। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मठरी में भी तो ऐसे ही होता है ना कि बीच बीच से काट देते हैं, इसलिए वो नहीं फूलती है। तो वेल गाइज, मेरा जो मसाला पराठा है वो तैयार हो गया है, और मैंने मायोनीज और सॉस टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो देखिए अयांश ने रिव्यू देने के लिए खाना भी स्टार्ट कर दिया अच्छा है। बाबू राइस राइस नहीं है, मायोनीज है वो। अच्छा है अच्छा। अरे कैसा तुम हो रोम री, चलो हाथ, चलो जल्दी जल्दी जुलाए हाथ। A few moments later. Green color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Yellow color, how are you? Here I am, how do you do? 2 hours later. तो गाइज अब रात के 8 बज चुके हैं और डिनर बनाने का टाइम हो गया। तो मैं ना मेथी के पत्ते और पालक के पत्ते लेके आई थी, तो मैंने देखा पालक के पत्ते थोड़े से ख़राब हो रहे थे, एक्चुअली गलती थोड़ी सी मेरी थी, मैं लेके आई और मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया थोड़ा सा, अगर मैं सुखा के रखती तो शायद नहीं होता ऐसा। तो हल्का सा पानी लग गया था उसकी, मतलब पानी भी क्या था ना, अंदर अंदर था, बाहर नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चला था। तो थोड़े थोड़े पत्ते ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हीं का कुछ बनाते हैं, इसलिए मैं बनाने वाली हूँ पालक की पूरी और चटनी। पूरी के साथ ना चटनी अच्छी भी लगती है, टमाटर धनिया वाली। तो देखिए मैं इसको बिचार रही हूँ, और ये टोकरी लेके आई थी कि मैं अच्छे वाले पत्ते रखूँगी, बट ये सारे पत्ते जो है उसमें डाल दे रहा है, और ये वाला भी उठा ले रहा था, मैंने उसे छीन लिया। तो क्यों शैतानी कर रहे हो? टैडी मम्मा के पास बैठेगा, टैडी मम्मा का गुड बेबी है, और तुम मम्मा का बैड बॉय हो। क्या करूं, इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब अगर इसके पास ना बैठ के काम करो तो चिल्लाता है, बैठ के काम करो तो अपना सर मतलब दीवार पे पटकने के बराबर हो जाता है, कभी कभी तो बड़ी गुस्सा आने लगती है। बट अब इतना ज़्यादा पेशेंस आ गया है ना कि बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये इतने सारे पत्ते जो है ना ख़राब हो गए थे, मतलब थोड़े से घुल से गए थे, तो मैंने सोचा इनको फेंक देती हूँ, और मेरे बनाने के लिए उतना वैसे एनफ है,
दो लोगों को खाना है, एक पराठा मतलब एक रोटी जो है वो मैं अयांश को खिला दूंगी, क्योंकि मैं और अयांश जो है रोटी ही खाने वाले हैं। कट्टू आजा जरा, बाबू मोबाइल पे कुछ करने जा रहा था। तो ये जब देखता है ना कि कैमरा चल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करता रहता है, और आपने देखा कैसे मैंने इसको कट्टू से डरवाया। कब कुछ कुछ टाइम ऐसा करना पड़ता है। तो ये पालक के पत्तों को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसमें थोड़ा सा लहसुन और एक मिर्च डाल दिया है मैंने। तो उससे क्या है ना कि जो इसका मसाला बनेगा मतलब जो पेस्ट बनेगा उसी में आ जाएगा टेस्ट थोड़ी से तीखेपन का भी। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है 2 कप, उसमें थोड़ी सी अजवाइन मैंने ऐसे डाल दी है, फिर उसके बाद जो पेस्ट है उसी को डाल दिया है। और ये पेस्ट बनाने के लिए ना थोड़ा सा पानी भी डाला है, और ये जो वो मसाला पराठा वाला बैटर बना बचा था ना थोड़ा, बस वो मैंने डाल दिया। क्योंकि क्या है ना कि इतना ज़्यादा हम लोग खाते नहीं, और अयांश के पापा ने भी कम खाया था इस वजह से बच गया था। तो मैंने सोचा उसको वेस्ट क्यों करना, और जब आटा मैं गूंदूंगी है ही तो फिर उसमें पड़ जाएगा। तो बस अब आटा मेरा सेट हो चुका है, कढ़ाई में तेल पड़ चुका है और पूड़ियाँ बनने को एकदम तैयार हो गई हैं। तो मुझे तो अपने लिए रोटी बनानी है ना, क्योंकि मुझे पराठा ये सॉरी मैं पराठा क्यों बोल रही बार बार, पूड़ी नहीं खानी है। और इसका जब ये आटा होता है ना ग्रीन ग्रीन, तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और शादी वगैरह में ना पालक पूरी जो है वो बनती है, और अगर नहीं भी बने ना तो मेरे को लगता है कि लोगों को ऐड करवा लेना चाहिए मेन्यू में। मतलब क्या होता है ना, एक आइटम भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ देखने में भी अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ पूड़ियाँ जो है ना वो थोड़ी सी कड़ी बेली जाती हैं, और ये इसके लिए परथन नहीं लगाया जाता है, ऐसे तेल में डिप करके थोड़ा सा डाला जाता है। तो परथन क्या होता है ना, तेल में जाके वो काला काला होने लगता है, तो ये मेथड वैसे अच्छा है। और एक बार थोड़ा सा बेलन से दबा दिया जाता है दोनों साइड से, तो जो पूड़ियाँ हैं ना वो बराबर शेप में छोटी छोटी हो जाती हैं। बट मैं इतनी छोटी भी नहीं बेलती हूँ, मैं ठीक ठाक मीडियम साइज में बेलती हूँ। तो आज की पूड़ी ये बेल रहे हैं। पूड़ी तक कचूमर, ये खड़े नहीं हो पाते लेकिन कचूमर बनाने के लिए तैयार है एकदम। ऐसे ही हार्ड वर्किंग आपको शेफ चाहिए। मुझको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रह रहे के तो सीख ही जाएगा। तो अयांश जब भी मुझे कोई काम करते देखता है ना तो सेम उसी तरह वो रिपीट करने की कोशिश करता है। अभी तो छोटा है तो शायद इसलिए, आगे बड़ा हो जाए तो पता नहीं वो मेरी काम में हेल्प कराएगा कि नहीं, और वैसे मैं तो बच्चों से हेल्प लूँगी ज़रूर। और ये मैंने रोटियाँ बना ली अयांश के लिए मेरे लिए, और चटनी बन गई है। तो चलिए मैंने खाना भी लगा दिया है, आप लोग भी आ जाइए। पूड़ी वाला अयांश के पापा का है, रोटी वाला मेरा है। तो गाइस रात के 1 बज रहे हैं और हर कोई सो रहा है, मैं खिड़की से आपको दिखा रही हूँ, और देखिए कितनी ठंडी सी हवा आ रही है बाहर से। तो हाय गाइस वेलकम वंस अगेन। अब देख रहे हो गाइस रात के कितने बज रहे हैं, मतलब 6 मिनट बाकी हैं 1 बजने में। और मेरा आजकल का ना यही रूटीन हो रहा है, मैं रोज़ रात में या तो 2 बजे या तो 3 बजे सो रही हूँ। और अभी पता नहीं किस बर्ड ने चिल्लाया था इतना, मतलब ऐसे करके, मतलब बहुत ख़राब सी आवाज़ थी, बहुत डरावनी वाली। तो बस रात को 1 बजे मैं आपसे बात करने बैठ रही हूँ, क्योंकि अगर कल मुझे वीडियो टाइम से डालना है, मतलब नेक्स्ट डे अगर टाइम से डालना है, तो रात में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों से। अदरवाइज़ वीडियो जब एडिट नहीं हो पाएगी तो फिर मैं कैसे, मतलब मैं कैसे डालूँगी वीडियो, है ना। और आज तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे था यार, मतलब आज तो दिन भर कुकिंग की। सुबह बनाया ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने लंच बनाया, फिर उसके बाद मैंने स्नैक्स बनाया, उसके बाद मैंने डिनर बनाया। तो मतलब सुबह से आज मैं इतना ज़्यादा किचन में खड़ी थी, और आजकल मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा सफाई का भूत सवार हो गया है। आज मैंने मंदिर जो है वो क्लीन किया अपना, क्लीन एक दिन पहले और भी किया था, बट आज मंदिर क्लीन किया, और मतलब
जो कपड़े वगैरह थे, वस्त्र थे कान्हा जी के, और चंदन टीका, ये सारी चीजें सही से नहीं रखी थी। कल जैसे ग्रोफर से सामान मंगाया था वो भी सही से रख दिया। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारा काम किया है। 2-3 दिन से मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ और स्टडी ना के बराबर है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे की वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम यूट्यूब को दे रही हूँ, बट स्टडी को भी मुझे पैरेलल में टाइम देना है। तो और बेस्ट पार्ट आज पूरे दिन भर का मतलब ये है कि थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के प्यार की वजह से आज मुझे कम्युनिटी मिल गई। और मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि काश यार मुझे कम्युनिटी मिल जाए, मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें कर सकूं, पूरे दिन भर में मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है मैं वो आपको बता सकूं, पल पल पे आपको वो नॉक नॉक सुनो ना, नॉक नॉक फलानी चीज हो गई वो अलग कर सकूं मैं, तो थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकूं मैं आपकी लाइफ में, मैं ऐसा सोच रही थी। तो बस आज मुझे कम्युनिटी मिल गई, तो मैंने भगवान को थैंक यू करके मतलब श्री गणेश कर दिया आज कम्युनिटी का। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें डालने वाली हूँ। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ यार, कि जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियो पे थोड़े बहुत व्यूज़ तो आते हैं बट लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और पता नहीं एक कौन है जो मुझे हमेशा डिसलाइक करते हैं। तो एक्चुअली मुझे एक बार कमेंट भी आया था, ये पारुल जी ने किया था मुझे कमेंट कि आपके वीडियो पे लाइक क्यों नहीं आते दी। तो मैंने उस टाइम मजाक में कह दिया था कि शायद मुझे लोग पसंद नहीं करते। तो मुझे आज सच में लग रहा है कि मतलब मुझे लोग लाइक नहीं करते, शायद इसीलिए मेरे वीडियो पे लाइक नहीं आते, लोग शायद मेरी वीडियो पसंद नहीं करते। तो गाइज अगर ऐसी कोई चीज़ हो ना कि अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे मतलब कॉमेंट करके बता सकते हो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत नई नई चीज़ें जो हैं मैं वो डालने की कोशिश करती हूँ वीडियो में कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और मैं बहुत रैंडम शॉट्स भी लेती हूँ, मतलब दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने की भी कोशिश करती हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आप लोग इंटरटेन हो सको, शायद मेरी कुछ चीज़ों से आप कुछ सीख सको। तो गाइज बस यही मेरा हमेशा एफर्ट रहता है। और अगर आपको कुछ आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। मतलब लाइक जो है वो मतलब लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है यार, बहुत ज़्यादा लाइक से मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतनी खुशी होती है यार कि अरे मतलब मेरे काम को लोग पसंद कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस गाइस ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके आज जरूर जाइएगा, अगर इतनी सी भी चीज़ पसंद आई है ना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।